वुमेन बीबीएल, वुमेन बीबीएल 2023 का नौवा मुकाबला जो ही खेलाएगा सिडनी सिक्सर और ब्रिस्बेन हीट के बीच में। सिडनी सिक्सर वन ऑफ द सक्सेसफुल टीम इन दिस लीग, वो अपने स्टार्टिंग के दो मैचेस हार गई है और वो भी बहुत बुरी तरीके से। जीत सकती थी पहला मुकाबला जिसको हार गई, और दूसरा जो हार सकती थी उसको तो हार ही गई। बहरहाल ठीक है, इस मैच के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे कि पिच रिपोर्ट क्या होने वाली है, मैच विनर कौन होने वाला है, प्लेयर स्टेटस क्या होने वाले, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और इस मैच में टूटेगा डिफेंड हिस्ट्री, क्या इस मैच में चेज होने की पॉसिबिलिटी, सबके बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर पिच के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्कोर काफ़ी बढ़िया होता है, बहुत ही तगड़ा बनता है और बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, यहाँ पर स्कोर का आप फिक्र मत कीजिए, स्कोर यहाँ पर अच्छा बनेगा। सिडनी सिक्सर भाई ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट काफ़ी कमज़ोर नजर आती है। 10 मुकाबलों में से 3 सिर्फ सिडनी सिक्सर ने जीते, 7 भाई उस 7 ब्रिस्बेन हीट ने जीते। वहीं पर इस ग्राउंड में बात करें तो 10 में से 6 सिडनी सिक्सर ने जीते हैं, ब्रिस्बेन हीट ने 10 में से 4 जीते हुए हैं। और 149 का एवरेज स्कोर है, ब्रिस्बेन हीट का 152 है। फर्स्ट इनिंग विनिंग परसेंटेज 52% है, सेकंड इनिंग 41-50-50 है। फर्स्ट इनिंग में स्कोर अच्छा बनता है, 146 बनता है। सेकंड इनिंग में पिच थोड़ी स्लो हो जाती है, पेसर्स को मिलते हैं 55% विकेट, स्पिनर्स को मिलते हैं 45% विकेट। यहाँ पर तो पेसर्स अच्छे आ जाते हैं, स्पिनर भी मान लीजिए 50-50 ही चलता है। अगर बात करें प्लेयर के स्टार स्क्वाड्स की, ठीक है, मतलब प्लेइंग 11 के होने वाले, उसमें सिडनी सिक्सर के बारे में बात करें तो सूजी बेट्स, एलेक्स एली है नहीं, सॉरी माफ कीजिए, ई हिली है नहीं, तो उसके जगह के मैरी और विकेट कीपिंग ही करेंगे। एलिस पैरी है, ये गार्डनर है, ई बर्न्स, जे कैर, सी ट्रेन, के पेटरसन, जूली एलन, उसके बाद एल हीथ, सॉरी एल चेटल जो कि अफ्रीकन बॉलर है, सॉरी इंग्लिश बॉलर है, एम ब्राउन, ये इनके प्लेइंग 11 होने वाले। दूसरी तरफ जी हैरिस, जी रेडमैन, जी वॉल, एम डुप्रीज, जे जनेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस मैच के लिए, बी हीथ, सी नॉट, एम हिंकले, एन हैंगकॉन्ग, एस ग्लिन, सी जी सेपल। अगर बात करें तो दोनों टीमों के प्लेयर इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में, एलिस पेरी भाई आप इनको ड्रॉप कर नहीं सकते कभी भी, बॉलिंग करती तो ज़्यादा डेंजर हो जाती है, बाकी बैटिंग में अपना काम करती है। गार्डनर एक अच्छा पिक है, बॉलिंग बैटिंग दोनों से ही आपको पॉइंट दिलवाएगी। ई बर्न्स एक अच्छा प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर में आएंगी और अच्छा करके जाएंगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। सी ट्रॉइन इनको मैंने इसलिए पिक किया, बैटिंग से कुछ तो रन देंगे बट अगर सही से कप्तानी होती, सामने वाली टीम में बहुत सारे राइट हैंडर्स बैट्समैन है तो वहाँ पर यूज़ हो सकता है। वही बात करें एल हीटल की बात करें तो ये भी एल चेटल की बात करिए, अच्छी बॉलर है, वहाँ पर देखा सकते हैं। एम ब्राउन को आप जरूर रखिएगा, ये कल विकेट लेने वाली है। वो दूसरे टीम से बात करें, जी हैरिस को मैं ड्रॉप करने के लिए बोलूँगा। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जी हैरिस का रिकॉर्ड इस टीम के अगेंस्ट अच्छा नहीं, सिडनी सिक्सर के अगेंस्ट, हालांकि ग्राउंड में अच्छा है, लास्ट मैच में 130-117 के पारी की वजह से। जी रेडमैन अच्छा पिक है और वो करेगी भी अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि इसका इस टीम के अगेंस्ट और इस पिच में काफ़ी अच्छा है। जे जेनेसन का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है इस टीम के अगेंस्ट और सी नॉट का भी काफ़ी अच्छा, तो ये टीमों पर आपको नज़र बना के रखना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमारा मैचेस को देख लीजिए कि कैसा है, कितना बढ़िया है।